कभी दौलत कभी शोहरत कभी दौलत कभी इज्जत लिख दे और रहम जिस पर करे उसके लिए राहत लिख दे। तू तो है कातिबे तकदीर तुझे क्या मुश्किल मेरी किस्मत में मदीने की ज़ियारत लिख दे। मेरी किस्मत में मदीने की ज़ियारत लिख दे। आप लोगों का मोबाइल जो मैं जब मैं स्टेज पे आया था मेरे 150-200 फोटो आप लोग ने निकाले, जुनेद भाई के 300 निकाले, तो ये चार मिसरे सुन ले। अंधेरी कब्र में जब मुश्किल मकाम आता है, ए बेटा बैठ जाओ, मोबाइल जितने भी रखे हैं रिकॉर्डिंग करो, शूटिंग करो, शूट करो, अरे निकाल भाई। हाँ, अंधेरी कब्र में जब मुश्किल मकाम आता है, आइडिया वोडाफोन ना जियो काम आता है। क्या कहने बेटा, जरा बैठ जाना, जगह नहीं है तुझे, जगह नहीं है। के अंधेरी कब्र में जब मुश्किल मकाम आता है, आइडिया वोडाफोन ना जियो काम आता है। नूर फेसबुक व्हाट्सएप गूगल से कुछ नहीं मिलता, कुरान पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। कुरान से दुआ है कि सही हो या गलत जो भी किए हैं फैसले मैंने, उन्हें अब कामयाबी देना तेरा काम है अल्लाह। मेरी जितनी समझदारी थी मैंने उतना कर डाला, तेरे ही हाथ अब आगाज और अंजाम है अल्लाह। कैसे चमके मेरी किस्मत का तारा, मांगे दुआ ये दिल बेचारा। इतना गरम कर ऐ मेरे अल्लाह।
करम पर मादे के रसूल ये चाहता है अल्लाह से जो मैं कहने जा रहा हूं बचो जाऊं अगर मदीना जाऊं अगर मदीना तो आऊं ना लौट कर हजरत आस्थान हजरत मुबारक खान शहीद रहमतुल्ला अलैह दरगाह के सदर इकरार अहमद साहब को बेटा बहुत खूब माशाल्लाह इकरार भाई किसी तारीफ के मोहताज नहीं सरकार के बहुत करीब हैं उन पर सरकार का बहुत करम है और माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम को सजाने के लिए हमारे इकरार साहब इकरार अहमद साहब वाह न करम फरमा दे अल्लाह इकरार साहब के साथ में जो बैठे हुए हैं रवि गुप्ता जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव साहब के दोस्त हैं और हमारे इंस्पेक्टर साहब राज घाट साहब वो भी बैठे हुए और हमारे गिरिजेश शुक्ला चाचा तमाम लोगों से खास तवज्जो और इकरार अहमद साहब से भी तवज्जो चाहूंगा तवज्जो दरे अकदस पे यूं जाऊं पलट कर फिर ना आऊं मैं और मदीने की जियारत को तरसती है ये मेरी आंखें जी करता है ये आंखें वहीं पे छोड़ आऊं मैं जाऊं अगर मदीना तो आऊं बन जाए मेरा घर इकरार साहब लोग दुनिया में रिश्ते नौकरी के लिए दौड़ते हैं लेकिन आशिक रसूल क्या कह रहा है तवज्जो परसों से मेरे दिल की नौजवान बच्चों तवज्जो दे इधर ये सबके पते की बात पेश कर रहा हूं काम की बात
परसों से मेरे दिल की तमन्ना है बस यही बच्ची के लिए ही दुआ करता है। हमारी माँ बहनों को खास देखकर ये शेर पढ़ रहा हूँ, अल्लाह से इल्तिजा है। हर वालिद मोहतरम अपने बच्चों के लिए क्या कह रहा है, तवज्जो। इकरार सर तवज्जो। मैं बेटियों के हाथ में मेहंदी लगा सकूं, दुल्हन बना सकूं। कितना गर्म या आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। पंजतन सरकार का सदका।